नमस्कार, आप देख रहे हैं आठभट न्यूज। खबर खगड़िया से है। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के तेलीहार पंचायत के वार्ड 8 ठाकुर टोला के समीप 150 वर्ष पुराना गुदरिया बाबा का स्थान सहित किसानों की खेती योग्य जमीन भी कोसी नदी में समा गई। ग्रामीण कोसी का कहर देखकर डरे सहमे हुए हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ठाकुर टोला पहुंचकर कटाव का जायजा लिया। वहीं इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सिंचाई विभाग को निशाना बनाते हुए क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। मानवीय आपदा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है जी। ये इसको आप समझ लीजिए बहुत क्लियर। ये नेताओं की मानसिकता इतनी हीन हो चुकी है, कॉमन आदमी या आम लोगों के जिंदगी से, उसकी जरूरत से कोई मतलब नहीं है। अब ये 50-60 लगभग 100 एकड़ जमीन कट गया ये 20 दिनों के अंदर। अब मात्र 100 मीटर पर ये गाइड बांध है, उसके बाद गांव है, और अभी तक कोई कोहबर घर में सोया हुआ है और कोई गोरथारी में सोया हुआ है। यहाँ का कोई MP MLA मंत्री संतरी को कोई मतलब नहीं है, चाहे जिंदगी भाड़ में जाए, चाहे कोई मर जाए, हर जाए। नदी तो हमारे लिए तीन हिस्सा, हम बाढ़ के चपेट में हैं। आज नदी ऊपर हो गया, गांव नीचे जाए हो चुकी है। बिल्कुल गाद इतना जमते जमते हम पैसे खाते चले गए। पूरा का पूरा जो सिंचाई विभाग है, इसको इसका नाम रखा गया है लूट विभाग। पूरा माफिया इस पे जमा हुआ, अरबपति खरबपति हैं। इससे बड़ी बड़ी सत्ता चलती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बार बार कहा जाता है सिंचाई मंत्री जी के द्वारा कि हम बाढ़ से मुक्ति देंगे कुशेश्वर स्थान। हम चैलेंज करते हैं, अगले साल तक भी आप मुक्ति दे दिए तो हम पैर धो के पिएंगे, हम सिंचाई मंत्री जी आपका। आप हम कुशेश्वर स्थान की बात करते हैं, कुशेश्वर स्थान जहां कल मुख्यमंत्री जी गए थे, जहां ये तीन बार ले गए। नीचे करो माइक। अब ये इलाका बेलदौर प्रखंड का ये तेलीहार, और यही नहीं कटाव हो रहा है, और भी कई जगह कटाव लगी हुई है खगड़िया में। कोई माँ बाप नहीं है। ये 150 साल का ये कोई बाबा का स्थान गुदरिया बाबा ये कट गया, लोगों की पूरी फसल आलू खेती खत्म हो गई। हमारे नेता यहाँ है नागेंद्र त्यागी, हमारे अध्यक्ष हैं कृष्णा जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी लीडर यहाँ हैं, हमारे परमानंद बाबू यहाँ पर हैं। हम लोग बैठेंगे और जब तक यह इलाका का कटाव नहीं रुकेगा तब तक नहीं उठेगा। गाद को मुक्ति लाने की केंद्र सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं, केंद्र सरकार सब सरकार मिलके लूट गया, बजट ही नहीं है। अब बाढ़ पर बिहार की चिंता ही नहीं है किसी की। हम लगातार हर साल कोई भी नदियां बगहा से लेकर के शिवहर, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गंगा, कमला, कोसी, गंडक, बलान, महानंदा, भूती बलान, आप जितनी नदियां हैं सब मेरे लिए अभिशाप बन गई। और यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार सब नेपाल पर जाकर के थोप देती है कि वहां बारिश ज्यादा हुआ, हम क्या करेंगे, पानी छोड़ दिया, हाथ उठा देती है। और हर साल जब ये सालों भर काम करती है एंटी रोजन का, तो फिर फ्लड फाइटिंग के समय इसको अरबों खरबों रुपया क्यों लगाती है? जब सालों भर बांध बनता है, सालों भर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, ये दुधारू गाय है नेताओं के लिए, पदाधिकारी के लिए और ठेकेदारों के लिए। ये दूध देने वाली गाय है, हम दूहते रहे। या तो आप एंटी रोजन का काम रोकिए, या नहीं तो फ्लड फाइटिंग का काम रोकिए। फ्लड आएगा तब भी फ्लड फाइटिंग पर अरबों खरबों जनता का पैसा गया, और सालों भर एंटी रोजन जनता का पैसा गया। और नदी हमारे लिए अभिशाप, बाढ़ हमको जिंदगी तोड़ दी। हर साल हम बाढ़ में हम खिचड़ी चोखा खाने के लिए बांध हो जाते हैं।
हेलीकॉप्टर से खाना आएगा, नेता आएंगे पिकनिक मनाएंगे और हम लोग भी चार महीना पिकनिक मनाएंगे। अगर पप्पू यादव मुख्यमंत्री होंगे तो फिर कैसे बाढ़? अरे यार बाढ़, एक साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए।